थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम वर्मा यादव है और मैं बिहार सिवान जिले का रहने वाला हूं। थैंक यू। और दोस्तों इस कंपनी में आने से पहले की मैं बात करूं आपसे, और आने से पहले की बात मैं इसलिए आज आपसे करने वाला हूं या करूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जितने लोग यहां जिरड़ी बन के आपके सामने स्टेज पे आए हुए थे, जिन्हें जिनसे आप मिल पाए, कहीं ना कहीं वो सारे अप्लायंस या मैं खुद भी जिस जगह आज आप बैठे हुए हैं, जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं, दोस्तों हम भी उसी परिवार से हैं, उसी समाज से हैं, उसी परिस्थिति से बाहर निकल गए हैं जिस परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं या परेशान हो रहे होंगे, तो जानना चाहेंगे। तो दोस्तों इस कंपनी में आने से पहले मेरे घर में मेरे पिताजी तीन भाई, और हमारे तीन पापा के बीच में हमारे घर में बड़ी सारे बहनें बैठी हुई है। हमारे घर में 17 बहन और हम लोग 5 भाई। और दोस्तों हमारे तीन पापा के बीच में, या ऐसे हम बात करें पूरे खानदान में कोई व्यक्ति पैसा कमाने वाला था तो हमारे पापा जी थे। हमारे पापा जी वेस्ट बंगाल में, आप नाम सुनोगे, बड़ी सारी जूट फैक्ट्रियां होती है या अभी भी हैं, उन्हीं जूट फैक्ट्री में काम करते थे। और जितना पैसा वो कमा रहे थे सारा पैसा दोस्तों कमा के अपने बड़े भाइयों को देते गए। हमारे बड़े पापा लोग गांव में रह के खेतीबाड़ी कर रहे थे और उन्होंने हमारे पापा के पैसे से या जो खेतीबाड़ी कर रहे थे उसमें से जो भी पैसे वो सेव कर रहे थे उन पैसे से अपने 16 लड़की की शादी कर दिए। यानी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे घर में 17 बहन, लेकिन उसमें से अपनी बात करें 17 बहन हमारी ही है, बट अपनी बात करें दोस्तों हमारी सिर्फ एक बहन और हम तीन भाई। और हमारे जो दो बड़े पापा थे उनकी 16 लड़कियां और 2 लड़के। हमारे बड़े पापा लोग पैसा ले लेकर के 16 लड़की की शादी कर दिए। हमारे दो बड़े भाइयों का शादी हो गया, और जब दोस्तों हमारे बहन का शादी का समय आया तो जो अक्सर घर में होता है वो हमारे भी घर में हुआ। और दोस्तों इस बात को मैं नहीं बताऊंगा तो भी आप सबको पता है क्या हुआ होगा। हेलो, क्या हुआ होगा? बंटवारा, हिस्सा लगना शुरू हुआ। दोस्तों हमारे पापा कभी बिहार में रहे नहीं थे, उन्होंने पूरा उम्र वेस्ट बंगाल में जॉब किया था, काम किया था। जितना मेरे बड़े पापा को लोग गांव में लोग जानता था, मेरे पिताजी कोई जानता भी नहीं था। गांव में फैसला कब होता, जब पंच आते हैं, पंच आए फैसला हुआ, हमारे पापा ने लोगों के बीच में बात रखा कि हमने अपने बड़े भाई लोग को लगातार 20 साल पैसे कमा के दिया, बट किसी ने बात नहीं माना। इसलिए नहीं माना कि लोगों का कहना था भाई आपने दिया है तो क्या प्रूफ है आपके पास। यानी दोस्तों इस बात से मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि हिस्सा तो लगा, लेकिन उस हिस्सा में हमारे पिताजी को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे हम खुश हो। यानी हमें और हमारे पिताजी को एक गड्ढा जमीन मिला, बिल्कुल गड्ढा, जहां पे आप खेती नहीं कर सकते हैं, जहां पे आप घर नहीं बना सकते हैं, बट हमारे पापा ने उसे सेट कर लिया। और हम तीनों भाइयों को एक बात बैठा कर समझाया कि देख बेटा, यदि हम अपने बड़े भाई की 16 लड़की की शादी कर सकते हैं तो हमारी सिर्फ एक बेटी है, उसकी भी शादी हम करेंगे, तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बंटवारा तो हो गया, लेकिन हमारे पापा जो जॉब कर रहे थे कलकत्ता में, जब वो सोचे कि बंटवारा तो हो ही गया है और बेटी की शादी करनी ही है, तो उन्होंने हमारे बहन के लड़का देखना शुरू कर दिया। दोस्तों बहन हमारी हो या आपकी, लड़का देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम तब होता है जब लड़का पसंद आ जाए और जब उसके बाद आगे होती है। हमारे पापा ने बड़ा अच्छा लड़का देखा, घर परिवार भी अच्छा था, खेती बाड़ी भी काफी था। और दोस्तों जब पैसे लेन देन की बात हुई तो दोस्तों आज से 15 साल पहले मेरे पिताजी से दहेज मांगा गया था 70,000 रुपया और एक साइकिल। और दोस्तों उस वक्त हमारे पिताजी की उतनी औकात नहीं थी कि मैं 70,000 वो दे पाते, बट घर परिवार अच्छा होने की वजह से वो एग्री हो गए। और दोस्तों जैसे 6 महीना 8 महीना के बाद जो शादी का दिन रखा जाता है, सब कुछ रखा गया, और वो समय भी आया जिस दिन हमारी बहन का शादी था। दोस्तों शादी का दिन भी आया और बड़े धूमधाम से बारात भी आया। फर्क इतना है दोस्तों, यहां बड़े सारे भाई बैठे होंगे जिनकी बहन की शादी हुई होगी,
आपकी और मेरी बहन की शादी में सिर्फ एक अंतर था कि आपकी बहन का बारात धूमधाम से आया होगा तो आपकी बहन को लेकर चला गया होगा। दोस्तों हमारी बहन का बारात तो आया लेकिन जिस तरह से आया था लोग उसी तरह छोड़ के चले गए, क्योंकि हमारे पापा बड़ी मुश्किल से उस वक्त 30,000 रुपया इकट्ठा किए थे, 40,000 रुपया, और साइकिल नहीं दे पाने की वजह से मेरे बहन को लोग मेरे घर में छोड़ के चले गए। दोस्तों छोड़ के तो चले गए, और मैंने इसीलिए बोला कि मैं अब थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि जहां मेरा घर था, या इसको अपने आप पे आप लेके समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, जहां हमारा या आपका घर होता है हमारे घर के अगल बगल बड़े सारे लोग होते हैं, हमारे बड़े सारे रिश्तेदार होते हैं। क्या ऐसा मेरे साथ हुआ होगा सब लोगों ने हेल्प कर दिया होगा हजार हजार दो दो हजार रुपया करके, आवाज नहीं कर दिया होगा? दोस्तों कोई आगे बढ़ के नहीं आया, बड़े सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे, कोई आगे बढ़ के नहीं आया। हाँ आगे बढ़ के बड़े सारे लोग आए, हेल्प करने के लिए नहीं आए, ताना मारने के लिए आए। जो हमारे उम्र के लड़के थे वो हमारे सामने आए और उन्होंने एक बात बोला कि जिसका तीन तीन भाई हो और उसकी बहन का शादी हो और वो बहन घर में पड़ी रह जाए, अरे तुम लोग तो कहीं जाकर चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारे पापा की उम्र के लोग भी हमारे पापा के सामने आए, लेकिन दिलासा देने के लिए नहीं, ताना मारने के लिए, कि जो इंसान 20 साल बाहर में जॉब किया हो और उसकी बेटी को छोड़ दिया जाए घर में, अरे तुम लोगों जीने का बड़े सारे। मैं आपको इस स्टेज के माध्यम से मैं बोल रहा हूं तो भी मुझे लग रहा है कि मैं कितना भारी चीज बोल रहा हूं। मतलब बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, मेरी मम्मी को ताना मारा गया, मेरी बहन की सहेलियां मेरी बहन को ताना मार के चली गई। और दोस्तों उस वक्त मैं 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था और उस दिन मुझे एहसास हुआ, इसको आप नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों एंगल से ले सकते हैं दोस्तों, मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं पढ़ाई करके कुछ नहीं कर सकता हूं। और मैंने पापा को कुछ नहीं बोला, मम्मी को भी कुछ नहीं बोला, और जितने सारे किताब वगैरह थे मैंने उसको, घर में खाना बनता आपने देखा होगा, आज गैस से पहले चूल्हे पर खाना बनता था, मैंने सारा कॉपी उठाया किताब उठाया और चूल्हे में डाल दिया। और मैंने पापा को अगले दिन बोला, पापा मैं जा रहा हूं कलकत्ता। पापा ने बोला, बेटा कलकत्ता तो टिकट इतने दिन का बाद कमाना हुआ है। मैं बोला, वो टिकट में आप जाइएगा, मुझे जाना नहीं है, मैं जा रहा हूं पढ़ने नहीं, मैं जा रहा हूं कमाने। मेरे पापा ने बहुत बैठा के समझाया, लेकिन घर की कुछ स्थिति इस प्रकार बन गई थी दोस्तों, मुझे लगा काम करना ही पड़ेगा। और जो लड़का आपके सामने इस स्टेज पे खड़ा है, लाइफ में पहला काम मैं शुरू करने के लिए गया वेस्ट बंगाल। और दोस्तों जब एक इंसान पहला काम शुरू करता है तो उसके मन में बड़े सारे असमंजस वाला स्थिति होता है, कौन सा काम करें। काम मेरे सामने बड़े थे, आपके सामने भी बड़े सारे काम होंगे। दोस्तों मैं जब काम करने निकला तो मैंने ये सोच के निकला कि हमारे रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वेल्डिंग वाले काम को करके दिल्ली में जाकर 10,000 कमा रहे थे। हमारे गांव में बड़े सारे ऐसे लोगों में जानता था जो वेल्डिंग वाले काम को करके महीने का 15,000 कमा रहे थे। बड़े सारे सिवान में तो खास करके ऐसे ऐसे घर हैं जहां पे हर घर का एक आदमी विदेश में रहता है। बड़े सारे ऐसे लोग थे जो वेल्डिंग वाले काम को करके महीने का 40-40, 45-45 हजार रुपया कमा रहे थे। दोस्तों मैंने उस वक्त सोचा कि मैं भी जाऊंगा और मैं भी वेल्डिंग का काम सीखूंगा। और जिस दिन मैं वेल्डिंग का काम सीख गया, मैं भी दिल्ली में जाकर 10,000 कमाऊंगा, मुंबई में जाकर 15,000 कमाऊंगा, और भगवान की दया से मैं चला गया विदेश तो मैं भी जाके 40-45 हजार उन लोगों की तरह कमाऊंगा। ये दोस्तों मेरा सोच था। दोस्तों मैं गया कलकत्ता में और मैं एक फैक्ट्री में गया और उस फैक्ट्री में मैं जाके बोला, दादा मगे तू काज चाहिए। क्या बोला? हेलो, मैंने बोला, दादा आपको एक काज चाहिए। मैं वहां की भाषा थोड़ा जानता था, यानी मैं आपको समझाता हूं हिंदी में। मैंने बोला मुझे काम चाहिए। लोगों ने बोला क्या काम चाहिए, की काज कर भी। मैंने बोला दादा वामी वेल्डिंग का सीख वो। उधर से दादा बोला, भाई बोला तोर बारी को था है। दोस्तों वो बात मुझे आज भी याद है। वो मेरे को बोला तोर बारी को था है। मैंने बोला दादा हमारी बड़ी बिहार। और दोस्तों जैसे मैंने बिहार बोला मैं इस स्टेज पे खड़ा हूं। दोस्तों बिहारी के बारे में इतना कुछ बोला मेरे को, बिहारी ये हो, बिहारी वो, बिहारी ये, बिहारी हो, वो दो तीन मिनट लेक्चर मारते रहेगा बिहारी पे। और जब उस इंसान का मुंह बंद हुआ तो मैं खड़ा होकर बोला, दादा हमें ओ रकम बिहारी ना, हमें खूब बालो बिहारी।
বলা তু খুব ভালো বিহারি আমার কাছে থাক এক দিনে 8 টাকা দেব বলা মেরে পাশ কাম করো তুমি এক দিন কাম 8 রুপিয়া দেবে আর আপ ইকিন নাই করেন দোস্ত মানে কিছু ভি নাই সোচা মানে এক বার সোচা যদি মানে কাম শিখ গিয়া তো মানে দিল্লি মে যাকে 10 হাজার কমাউঙ্গা মুম্বাই মে যাকে 15 হাজার কমাউঙ্গা আর মানে কিন চলে গা বিদেশ মানে 45 হাজার কমাউঙ্গা মেরে ঘর কি সারি পরেশানি খতম হয়ে যাবে মানে কাম শিখনা শুরু কর দিয়া দোস্ত বাহার কি দুনিয়া ইতনি খারাপ হ্যা मैंने 6 महीना उस फैक्ट्री में काम किया 6 महीना में हमको वेल्डिंग का रड सुनने को नहीं दिया गया। जो भाई वेल्डिंग वाले काम को जानते होंगे या किए होंगे उनको पता होगा वहां जाने के बाद हम्बल मिलता है मोटा सा हम्बल रड वाला उसको मैं 6 महीना लगातार चलाता था 8 घंटे के मैं 10-10 घंटा चलाता था ताकि कोई मुझे काम सिखा दे बट 6 महीना खत्म हो गया मुझे वेल्डिंग का रड सुनने को नहीं मिला मेरे घर की परेशानी दिन पर दिन घटने का दिन पर दिन बढ़ रही थी हमारे पापा दोबारा आ गए कलकत्ता में काम करने के लिए सरकारी नौकरी था नहीं दोस्तों हमारे पापा को उस काम से निकाल दिया गया कि अब आपके बाजू में वो दम नहीं है अब आपके शरीर में वो जान नहीं है ये काम आपसे होने वाला नहीं है हमारे पापा का जॉब भी चला गया एक बेटी से बाप बहुत प्यार करता है मेरी भी एक बेटी है मैं भी बहुत प्यार करता हूं लेकिन एक बेटी का तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है मेरी माँ दोस्तों हमेशा रोती रहती थी समय पर खाना ना खाना मेरी मम्मी को टीवी की शिकायत हो गया इतनी सारी परेशानी जब बढ़ गई तो मैंने सोचा 8 रुपया काम करेंगे कल मेरी मां मर जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे और उस वजह से दोस्तों मैंने उस वेल्डिंग वाले काम को छोड़ करके मजबूरी में मैंने उस काम को करने का फैसला किया जिस काम को मेरे पापा 25 साल लगभग 20 साल 25 साल किए थे और वो काम था जूट फैक्ट्री वाला काम जहां पे जूट बनता था जिसमें गेहूं चावल बोरा गेहूं चावल भर के आता है दोस्तों मैं उस फैक्ट्री में जब काम करने गया 2-4 दिनों में काम सीख गया और मेरा सैलरी होगा 2800 रुपया यानी दोस्तों मैं वेल्डिंग वाले काम को छोड़कर जूट मिल में काम करने लगा मेरा सैलरी 2800 रुपया हो गया और मुझे लगा कि 2800 रुपया बहुत ज्यादा है लेकिन 1 महीने के बाद मुझे समझ में आया कि 2800 से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों 2800 वाला काम करने के साथ साथ मैंने छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया यहां तक कि दोस्तों मैंने गेटमैन वाला काम दरवान वाला भी काम किया है इसके अलावे दोस्तों समय समय पे त्योहारों में जैसे दिवाली खत्म हुआ दशहरा खत्म हुआ मैंने फुटपाथ पे बाजार लगाता था और मैं वहां पे भगवान का कैलेंडर बेचा करता था 2 का कैलेंडर 2 रुपया में खरीद के लाते थे 5 में बेचते थे 5 का खरीद के लाते थे 10 में बेचते थे काम दोस्तों हमने बहुत सारा किया और मैंने बाहर में पूरा 6.5 साल काम किया और आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा दोस्तों 6.5 साल मेरी बहन शादी के बावजूद मेरे घर में पड़ी थी क्योंकि उतना पैसा हम जुटा नहीं पा रहे थे कि हम बहन के घर वाले को दे पाए लेकिन दोस्तों जैसे आप सब भाग्यशाली लोगों को इस ग्लेज में आने का मौका मिला मुझे भी 10 नवंबर 2009 को किसी और के साथ नहीं दोस्तों अपने सगे छोटे भाई के साथ जिसका नाम है दोस्तों मिस्टर उमेश कुमार यादव उस इंसान की वजह से मुझे इस ग्लेज में आने का मौका मिला शायद आप ताली बजा रहे दोस्तों ताली काफी कम है मैं ऐसे बोलूं कि मैं देव शरीर का पूरा खून उस इंसान को दे दूं तो भी वो कम पड़ जाएगा क्योंकि शायद आज मेरे लाइफ में कुछ ही बदलाव हो पाया उसमें सबसे बड़ा रोल किसी का है तो मेरी अपलाइन का है थैंक यू दोस्तों मैं गिलेज में आया जैसे आप आए होंगे मैं भी आया काम को देखा काम मुझे इतना शानदार लगा क्योंकि यहां पे एक मौका था एक बेहतरीन मौका था अपने गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का मैंने काम को देखा बड़े सारे अपलायंस हमारे यहां बैठे हुए हैं हमारे राजकुमार सर बैठे हुए हैं हमारे संजय सर बैठे हुए हैं बड़े सारे अपलायंस को मैं करीब के इनके साथ में रूम शेयर किया मैं इतना मोटिवेट था इस काम को लेकर दोस्तों मैंने इंदु किंदु परंतु नहीं किया और मैंने तुरंत काम को शुरू कर लिया दोस्तों मैं इस बिजनेस को देखा काम को शुरू कर लिया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार एक एक ट्रेनिंग को हमने अटेंड किया क्योंकि जब मैं पहला दिन ट्रेनिंग में जा रहा था मेरी अपलाइन ने कॉपी का 2 पेज कर दिया और एक तरफ लिखा था मुझे आज भी याद है दोस्तों एक तरफ लिखा था 10 लाख और एक तरफ लिखा था कंपनी के सारे ट्रेनिंग का नाम मैं नया था दोस्तों मेरे से मेरी अपलाइन ने एक बात पूछा भैया एक बात बताओ तुझे क्या चाहिए 10 लाख या ट्रेनिंग मैं नया था दोस्तों मैंने तुरंत बोला 1 सेकंड भी नहीं लगाया पर मैंने एक बात बोला भाई ये ट्रेनिंग तू रख ले 10 लाख मेरे को चाहिए मेरे अपलाइन ने दोबारा पूछा
चलो मैं फिर से पूछता हूँ, क्या चाहिए? ट्रेनिंग या 10 लाख? मैंने दोबारा बोला 10 लाख। उसने फिर पूछा, और जितनी बार पूछा मैंने बोला 10 लाख। उसने बोला यदि 10 लाख तू आज लेगा, आज तू 10 लाख लेगा, ये 10 लाख आज नहीं तो 1-2 साल के बाद खर्च हो जाएंगे, लेकिन यदि आपने कंपनी का सारा ट्रेनिंग एक एक करके अटेंड कर लिया तो ऐसा 10 लाख तू यहां से महीने का छाप सकता है। यस सर, थैंक यू दोस्तों। दोस्तों ये बात मुझे यहां समझ में आई और मैंने यहां से ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया। सारी ट्रेनिंग को एक एक करके मैं अटेंड किया, चाहे वो साइकोलॉजी हो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, कृषम की ट्रेनिंग हो, सारी ट्रेनिंग को मैं एक एक करके अटेंड किया और मुझे इतना भरोसा हुआ अपने आप में कि मैं इस ग्लेज में आरडी नहीं, मैं बनूंगा स्टार आरडी। भरोसा इतना था दोस्तों मैं स्टार आरडी बनूंगा, लेकिन मेरी एक घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। जानना चाहेंगे? यस सर। जानना चाहेंगे? यस सर। दोस्तों हर ट्रेनिंग में मैं बैठता था आगे, एक दिन मैं बैठ गया पीछे। मैं पीछे बैठा, बड़े सारे हमारे साथ लोग बैठे हुए थे। मैंने अभी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले एक आदमी से मैंने सवाल किया, भैया आप कौन लेवल पे हैं? उन्होंने मेरे पे सवाल दाग दिया, बोल तेरा नाम क्या है बताओ पहले। मैंने बोला वर्मा यादव। बोला नाम बताओ। मैंने बोला मेरा नाम है वर्मा यादव। अरे नाम बताओ भाई। मैंने दोबारा बोला मेरा नाम है वर्मा यादव। अरे नाम बताओ। नाम। मैंने बोला भाई मेरा नाम है वर्मा यादव। बोला नाम है कहाँ बे? ये वर्मा भी टाइटल, यादव भी टाइटल, तेरा नाम तो है ही नहीं। पहली बार मेरे को पता चला मेरा नाम तो है ही नहीं। मैंने उनसे पूछा भाई आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला राधे श्याम। मैं खड़ा होकर बोला जय हो प्रभु। और मैंने अगला सवाल उनसे किया था, मैं उसी सवाल पे चला गया। मैं बोला आप कौन लेवल पे? वो इंसान खूब हंसा, हा 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 हा। हम बोले सर हंसी नहीं, लेवल बताइए। जानना चाहेंगे क्या बताया? Yes, sir. उन्होंने, मैं दोबारा पूछा भाई आप लेवल बताइए कौन लेवल पे? बोला मैं स्टार सीढ़ी हूं। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं 7 दिन ट्रेनिंग लिया था। मैं बोला ना मैं सारा ट्रेनिंग यहां और दिल से लेता था। मैंने कॉपी निकाला, फटाफट ट्रेनिंग देखना शुरू किया। इसमें तो कहीं स्टार सीढ़ी के बारे में लिखा ही नहीं। यहाँ स्टार आर डी है, स्टार डी डी है, स्टार जीरो डी है। मैंने बोला भाई आप स्टार सी डी कैसे बन गए? वो इतना मोटा तगड़ा था भाई, पूरन खड़ा हुआ और बोला तू क्या जानता है स्टार के बारे में? क्या जानते हो स्टार के बारे में? मैंने बोला सर मैं इतना जानता हूँ कि जो 0+ हमारे टाइम में 4 मंथ था, बहुत भाग्यशाली आपको 0+ 7 मंथ मिल गया, बहुत भाग्य। 0+ 4 मंथ था। मैंने बोला भाई 0+ 4 मंथ में जो आर डी होता है वो स्टार आर डी होता है। बोला पागल हो तुम, 0+ 4 मंथ हम सी डी हैं तो कौन सी डी है बताओ। हेलो दोस्तों, सारा स्टार खत्म, वो ट्रेनिंग भी खत्म। मैं ट्रेनिंग से निकल गया, बाहर में जितना दुकान है राजगिरी में मुझे आज भी याद हो, सब लोग मुझे आज भी पहचानते हैं। मैं सब दुकान पे गया और मैं एक ही बात पूछा, भैया एक कंपनी कैसी है? लोगों ने बोला कौन कंपनी? मेरे अंदर डर हो गया, भाई यही तो कंपनी थी रात को, कल भी थी, आज बोला कौन कंपनी? मैंने बोला वह है ना भदोखरी पोखर में। अच्छा ओ, अरे बाबू जिंदगी बचाना है ना, ईमानदारी से कर रहा हूं दोस्तों। मैं जितने लोगों से मिला सबने एक ही बात बोला, मतलब कोई नहीं बोला रुक लो, देख लो, समझ लो। बड़े बड़े सारे एग्जाम्पल दिया गया, अरे लोग आते हैं और जाते हैं, यस सर, नो सर, 3 महीने में पल सर, वगैरह वगैरह, बड़ी सारी ट्रेनिंग बताया गया। दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा था कि मतलब मैं कल तक क्या सोच रहा था और आज मेरे साथ क्या हो गया। मैं आपको बोलूं ना दोस्तों, मैं ज्योतिष आज भी बैठते हो नवलखा मंदिर है वहां पे, मैं उनके पास गया। मैं बोला ये आदमी बोल देगा ना कि तेरे हाथ में पैसे का रेखा, मां कसम गिलेज में काम करेंगे तब तक काम करेंगे जब तक हम जीरोडी नहीं बन जाते। मैं गया दोस्तों, मैं गया और मैंने हाथ दिखाया और उन्होंने मेरे से पहले हाथ देखा, बोला क्या रेखा है, गजब, वाह। अगला सवाल किया कौन कंपनी में काम करते हो? मैंने उस वक्त बोला था ग्लोबल। बोला हाथ हटाओ, बोला हाथ हटाओ, बोला हाथ लेके आओ। फिर लेके आया, बोले तेरे हाथ में पैसा का रेखा नहीं, तू कभी गाड़ी नहीं खरीद सकता, कभी जमीन नहीं खरीद सकता है, तू कभी शादी नहीं कर, मतलब इतने नेगेटिव बात बोला उन्होंने ना भाई। मैं समझ गया मेरा यहाँ कुछ होने वाला नहीं। मैं रूम पे गया और मैंने अपलाइन को बुलाया, बोला भाई थोड़ा इधर आओ। और अपलाइन कहा गया ना, अपलाइन इस गिलेज में और हमारे बिजनेस में अपलाइन को भगवान का दर्जा दिया गया दोस्तों। यस सर। पता है क्यों? क्योंकि अपलाइन में इतनी क्वालिटी है कि अगला को देख के बता देगा।
मैंने अपने भाई को बोला भाई इधर आओ, वो मेरा चेहरा देख के समझ गया कुछ गड़बड़ है, वो चार लड़के को लेके आया, चार बूढ़ी गार्ड, और बोला क्या बात है, मतलब कोई बात नहीं जाओ। मुझे पता था मैं कुछ ही बोलूंगा, चारों मिलके हमको, पांचों मिलके हमको समझाना शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं कुछ नहीं बोला, रात को गया कमरे में आराम से सो गया, सब सोए आदमी की तरह, मैं सो उल्लू की तरह, क्योंकि उल्लू का आंख खुला होता। मैं आंख खोल के सोया और मैं देखा जैसे सब लोग सो गए दोस्तों, मैं रात को 11 बजे उठा, 11:30 बजे ट्रेन चलती है बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस। मैं आपको कितना अच्छा तरीका बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। मैं आराम से उठा और ट्रेन को पकड़ा और मैं चला गया। जाना था दोस्तों मुझे पटना से हावड़ा, मैं गलती से चला गया बनारस। टीटी ने पकड़ लिया, बोला फाइन दो, बोले फाइन तो नहीं है सर, बोला जेल में लेके जाएंगे, बोला जहां लेके जाना लेके जाओ, ग्लेज में नहीं जाएंगे। कुछ नहीं किया भाई साहब, ट्रेन में बैठा दिया, मैं दोबारा कलकत्ता पहुंच गया और वहां पे जाके मैं सोया हुआ था और पहली बार मेरा आंख खुला, मेरा भाई मेरे सामने खड़ा था और बड़े प्यार से बोला भैया गुड मॉर्निंग, फटाफट रेडी हो जाए चलना है। बोले कहां, बोला कहां जहां से भाग के आया वहीं। अब दोस्तों मैं बड़ा मुसीबत में पड़ा, मैं क्या बोलूं। मैं बोला एक काम करो, है ना, यहां कोई सर और नहीं है भाई, छोटा भाई था 10 साल छोटा है ना, थोड़ा दूसरे एटीट्यूड से मैं समझाना शुरू किया और बड़े प्यार से बोला चलना है तो चलो, नहीं तो पापा को मैं फोन लगाता हूँ। पापा का जैसे नाम लिया मैं चुपचाप उसके साथ चल दिया। दोस्तों इस गिलेज में एक बार नहीं 3 बार छोड़ के गिलेज को भागे हैं और मेरा भाई इतना खतरनाक कि वो 3 बार मेरे को पकड़ के लेके चलाया। इसीलिए मैं कहीं भी जाता हूँ मैं एक बात लोगों को सिखाता हूँ, मेरी तरह मत बनो, कोई फायदा नहीं है, बनना है तुम्हारी उस अपलाइन की तरह बनो जो इंसान नहीं बनना चाहता उसको भी लगे गिलेज में जीड़ी बना के खड़ा कर। और दोस्तों मैं अपलाइन का नाम ले रहा हूं तो ऐसा मत समझे मेरी, मैं सिर्फ भाई का नाम ले रहा हूं, यहां बड़े सारे अपलाइन बैठे हुए हैं, इन्होंने उंगली पकड़ पकड़ के, हमारे संजय सर हैं, राजकुमार सर हैं, है ना, इतना सपोर्ट किया, इतना समझाया, इतना बताया। दोस्तों एक नेगेटिव आदमी पॉजिटिव होकर काम करना शुरू किया। आपको लग रहा होगा सर आप नेगेटिव क्यों थे, नेगेटिव इसलिए था दोस्तों मुझे बोला गया था पहले आओ, मैं आया बड़ा खुश था, फिर बोला गया लाओ, मैं बोला ये नहीं होगा, आना ठीक है लाना ठीक नहीं है। यहां बड़े सारे लोग बैठे होंगे, बैठे इस हॉल में होंगे, दिमाग अभी भी अपलाइन के बातों पर चल रहा होगा, यहां से जाएंगे फिर लोग वही बोलेंगे हेलो। देखो प्रॉब्लम लाओ में नहीं है, प्रॉब्लम यहां है। जानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। मेरे अपलाइन ने मेरे से पूछा भैया प्रॉब्लम क्या है बताओ, मैं बोला प्रॉब्लम वही है भाई, वो तू जो बोल रहा है मैं आया ठीक है, तू बोलता अब वो मेरे से नहीं होगा। मेरा भाई बोला सिद्ध शुद्ध में बात करो, पीढ़ी बनने से डरते हो, हम बोले हाँ पीढ़ी तो नहीं बन पाएंगे, बाकी सब ठीक है, तू पीढ़ी बना दे मेरे को। बड़ी सारी बात था दोस्तों, है ना, बट मेरे मन में सबसे बड़ा डर था कि मैं सीढ़ी से पीढ़ी नहीं बन पाऊंगा, मेरे साथ मैं किसी को नहीं ले जा सकता हूं। मेरे अपलाइन ने उस वक्त मेरे को एग्जाम्पल दिया था, सुनना चाहेंगे। मेरे भाई ने बोला भैया एक बात बताओ, तू स्कूल से कभी भागा है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं स्कूल में हाफ टाइम बिना छुट्टी लिए भाग गए, हम तो रोज भागते हैं, मुझे पता आप लोग मेरी तरह हाथ नीचे कर ले भागे हैं दोस्तों। मैं बड़ा हंस के बोला यार मैं एक बार नहीं, मेरा शुक्रवार फिक्स था क्योंकि क्रिकेट मैच होता था 2 बजे के बाद, शुक्र शनि रवि 3 दिन क्रिकेट मैच, मैं बोला एक बार नहीं भागा हूं, कितने बार भागा हूं। बोला भाई भागा कैसे बता, मैंने भागना बहुत आसान काम है यार, मेरे मोहल्ले के 4-5 लड़के पढ़ते थे, अकेले भागेंगे पकड़े जाएंगे, सबसे आसान तरीका पांचों को लेके भागो, और पांचों को लेके भागने के लिए उसको अप्रोच करना पड़ेगा और अप्रोचिंग का फंडा बहुत आसान है। हेलो मैं जाता था उनके पास और मैं एक ही बात बोलता था, भाई चलो फटाफट चलते हैं ना क्रिकेट मैच, बोला रे मम्मी मारेगी पापा मारेंगे, अरे कोई नहीं मारेगा यार, कोई पूछे सीधे बोला हेडमास्टर की मां मर गई, बस बात खत्म। मैं आगे आगे मेरा चारों दोस्त मेरे हेलो मेरे पीछे पीछे, कौन प्रमोशन हुआ बताइए आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ, वो बड़ा मुस्कुरा के बोला भैया एक बात बताए तेरे को, मम्मी भी सीढ़ी से पीढ़ी बन गई है। हम बोले यार मम्मी तो अंगूठा छाप कभी स्कूल गई नहीं, भागी कहां से। उसे मेरे भाई ने एग्जांपल दिया कि आज हम गांव देहात की बात करें, आप अधिकांश लोग गांव देहात से हैं, यहां पे गांव देहात में आम के सीजन में आम लग जाता है कच्चे कच्चे आम बगीचे में, और हमारे घर से थोड़ा दूर बगीचा हो और रात को 1 बजे खूब जोर से आंधी आता है तो हमारी माँ कहां जाती है, आम के बगीचे में अकेले, बिल्कुल नहीं, चार औरत को 2-4 को छोटा छोटा हाफ टिकट को भी लेके जाती है। हमारी माँ आगे आगे, 2-4 औरत 2-4 बच्चे पीछे पीछे, कौन प्रमोशन हो बताइए।
आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ? अरे भाई कौन पीढ़ी नहीं बनता है? हेलो, आप ऐसे में कितने एग्जांपल आप देखो ना, कौन पीढ़ी नहीं बनता? एक भिखारी 10 लोग से भीख मांगता, 4 लोग भीख दे दिया, कौन प्रमोशन हो गया? आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ? अरे हमारी बहन की बात करें, मार्केट गांव में थोड़ा दूर होता है, हमारी बहन को अकेले मार्केट जाने में डर लगता है, 4 सहेली को लेके जाती है मार्केट में लिपस्टिक वगैरह खरीदने के लिए, कौन प्रमोशन हुआ? आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ? बचपन के दिन याद हो, जब क्रिकेट खेलने गए होंगे बैट बॉल लेकर के, बड़े सारे दोस्तों का अपने इकट्ठा किया, चल चल क्रिकेट खेलने, वो नहीं जाते होंगे, आप डायलॉग मारते होंगे, खेलेगा कूदेगा होगा नवाब, पढ़ेगा लिखेगा होगा खराब, 4-10 तो मिल जाते होंगे आप आगे आगे, 4 दोस्त आपके पीछे पीछे, कौन प्रमोशन हुआ? आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ? आप ध्यान से उठा के देखो, हर क्षेत्र में लोग सीढ़ी से क्या बन रहे हैं, सीढ़ी से क्या बन रहे हैं? बड़े सारे भाई बैठे होंगे दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाने गए होंगे, आप गांव आए, 4 दोस्तों को वहां लेके चले गए, कौन प्रमोशन हुआ? आवाज नहीं, कौन प्रमोशन हुआ? तो क्या डरना चाहिए? जब ये सब बात में जाना दोस्तों, तो मेरे मन का डर धीरे धीरे खत्म हुआ। उन्होंने मेरे को बोला, मेरे भाई ने, कि भैया दुनिया का सबसे आसान काम, मैं आपको बताता हूं, दुनिया का सबसे आसान काम कोई है तो है लोगों को अप्रोच करना। देखना चाहोगे? कहीं नहीं, मैं ही दिखाता हूं, देखना चाहेंगे? प्रोग्राम